क्या हो अगर आपकी जिंदगी के अगले 5 मिनट आपकी जिंदगी के आखिरी 5 मिनट बन जाए, अगला 1 घंटा आखिरी 1 घंटा बन जाए? क्या हो अगर उस आखिरी 1 घंटे में आप उस इंसान के सामने हो जिससे आप बहुत कुछ कहना चाहते थे मगर कह नहीं पाए, और आप कहना चाहें भी तो शायद वो सुन ना पाए? क्या हो अगर अगले 1 घंटे में आपको अपनी पूरी जिंदगी का सार ढूंढना हो, उन सारे वादों को याद करना हो जिनमें से कुछ पूरे हो गए और कुछ अधूरे रह गए, उन सारे सपनों को जोड़ना हो जिनमें से कुछ पूरे हो गए और कुछ बिखर गए, सारी शिकायतें सारी उम्मीदें उम्र भर के गिले शिकवे, लेकिन सबको समेटने के लिए वक्त सिर्फ 1 घंटा। इस आखिरी घंटे में जिंदगी बदल भी सकती है और थम भी सकती है। डॉक्टर, वो कैसे हैं आप? आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन उनके बचने की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है। ये समझ लीजिए कि अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं। कभी सोचा नहीं था मैंने कि चंद घंटों में आपकी जिंदगी इस कदर बदल सकती है। ये कहानी भी चंद घंटों पहले ही शुरू हुई थी। चंद घंटे पहले तक सब ठीक था। मेरे हाथ में वो प्रूफ आ गया था जिसे मैं अपने पति को अदालत में बेगुनाह साबित कर सकती थी। मेरे पास जो सबूत था उसकी बिना पर मेरे पति को अनुष्का के झूठे इल्जामों से आजादी मिल जाती और मेरी भी एक नई जिंदगी शुरू हो जाती। लेकिन ये सब होने से पहले कितना कुछ हो प्रिया, प्रिया जिसे मैं जानती तक नहीं थी, जिसे पहली बार मिली थी, उसकी और मेरी किस्मत इस कदर मिल गई कि आज हम एक ही जगह एक ही दर और एक ही दुआ के साथ खड़े। नहीं पता था मुझे कि हमारी जिंदगियों में एक इतना बड़ा हादसा होने वाला। उस हादसे के आने की आहट तक नहीं सुन पाई थी। कुछ घंटे पहले किसे पता था कि हमारी लाइफ ऐसा मोड़ लेगी बस कुछ घंटे में। मोना, तुमने आज हमारी एनिवर्सरी पर मुझे आज तक का सबसे अच्छा तोहफा दिया है, और वो है मेरी बेगुनाही का सबूत। मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, और तुम ना नहीं बोलोगी। प्लीज जाओ, जाकर दरवाजा खोलो। प्लीज जाओ। मैंने बुलाया विनीत को यहाँ तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। तुम्हें विनीत के साथ
पार्टी में जाना चाहिए। जाओ विनीत के साथ, तुम दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हो। मामा, मामा आप जाओ, आई प्रॉमिस मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। जा बेटा, अभी तो तूने प्रदीप के इनोसेंट होने का सबूत भी ढूंढ निकाला है, तेरे सर से इतना बड़ा बोझ हल्का हो गया है। हाँ मोना, जस्ट गो अहेड बेटा, एक नई जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है। You know what, Mona? आज मैं बहुत खुश हूँ। कल कोर्ट में प्रदीप बेकसूर साबित हो जाएगा और उसके बाद वो भी फ्री और तुम भी। फिर हमारी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। You know, मैंने ऑलरेडी सारी अरेंजमेंट्स कर दी है, रजिस्ट्रार से भी बात हो गई और कल हम लोग शादी कर लेंगे। कल? हाँ, क्यों, क्या हुआ? हमारी शादी की बात सुनकर तुम खुश नहीं हो? नहीं, मैं कुछ और सोच रही थी। क्या? वो पार्टी किसकी है, कहाँ जाना है, वो सब सोच रही थी मैं। हमारी एक डील हुई है मिस्टर रजत कपूर के साथ और हम लोग साथ में मिलकर एक शॉपिंग मॉल बना रहे हैं और इसी पार्टनरशिप की खुशी में हमने एक अनाउंसमेंट पार्टी दी है, हम लोग वहीं जा रहे हैं। कंग्रेचुलेशंस सर। वैसे ये टाइमिंग परफेक्ट है, आज हमारी नई पार्टनरशिप होगी और कल हमारी शादी। मेरी लाइफ बर्बाद करके तुम खुश कैसे रह सकती हो मोना? गोलियां खत्म हो गई, तुम्हारी किस्मत अच्छी है मोना, लेकिन नॉट टुनाइट। आज की पार्टी यादगार रहेगी, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए। ओह, बट पार्टी के लिए तो मैं तैयार ही नहीं हूं। गेट इन टू द पार्टी मूड गर्ल, गेट रेडी। हेलो, कौन से सेलिब्रिटी को इनवाइट किया है भाई आपने, जिसका इतनी बेसब्री से ऑटोग्राफ का इंतजार कर रहे हो तुम? ह्यूमन कैरेक्टर। यार मुझे तो
इतनी बड़ी पार्टीज में ना आकर ही ऑकवर्ड लगने लगता है. इट्स ओके, कम ऑन. पापा, मम्मी जी, मैं माँ से बाद में मिलती हूँ, पहले रजत सर से मिले. Hey Priya. Hi sir. You're looking absolutely gorgeous. Really? Yeah. Thank you so much. I hope मुझे आने में ज़्यादा देर नहीं हो गई हो. Not at all. The party is just started एकदम सही वक्त पे आई हो. You're most welcome. Hi. Hi. I'm surprised to see you here. मतलब तुम guest list में थी. She's my guest. Of course. अरे मैं भी कितना, मेरे तो ध्यान से ही निकल गया. She's your business partner. Right. तो business partner को तो पार्टी में आना ही था. Of course. Just one question. आपके इस नए business partner को मैं किस नाम से पुकारूं? प्रिया शर्मा. Priya Kapoor. Now, should I get ready again for Ram? किसी के feelings का लिहाज नहीं रख सकता ना, तो मौके का लिहाज तो रख ले. मैं अपनी बीवी से उसका नाम पूछ रहा हूं, आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? बीवी मिस्टर कपूर? यस, बीवी. रियली? I don't know how you do this every single time. हमने decide किया था हमारा आखिरी project. Can we do this bloody properly? No, I will do this last project. Hey, बड़ा. Hello. Hi, Papa. Hi, Aisha. So stunning you're looking. कहाँ से ली तुमने इतनी सुंदर ड्रेस? हाँ, वैसे I must tell you, you're looking like an anaconda. वैसे आज क्या नाग पंचमी है? तुम्हारे लिए दूध मंगवा दो? हाँ. बड़ी जुबान चलने लग गई है इसकी, कैंची की तरह. चला. हेलो हेलो पीहू बेटा, नेटवर्क ही नहीं है यहाँ पे. पीहू बच्चे, यहाँ नेटवर्क नहीं है, मामा को कुछ सुनाई नहीं दे. अच्छा फोन रखो, मामा आपको बाहर जाके फोन करती है. हेलो. नताशा गलत नहीं कह रही थी, प्रिया को देख, इतना अच्छी तरह से तैयार होके आई है, बिल्कुल भारतीय नारी. और तू सांप की खाल पहन के आ गई है. मैंने तुझे नागिन बनने को नहीं कहा था, देवी बनने को कहा था. माँ इना, नताशा के कहने से क्या होता है, जलती है वो मुझसे, इसलिए ये कह कर गई. And by the way, this is animal, it's in okay. इन मुझे कुछ नहीं पता. अब तू चल और चल के बदल कपड़े. रूम बुक कराया है इन होटल में. चल, मैं कह रही हूँ, चल, चल, चल. इन कपड़ों की जरूरत नहीं है मुझे. कुछ ही घंटों में मैं
पकड़ी जाऊंगी, लेकिन इस पार्टी में लोग अनुष्का सरकार को आखिरी बार देखेंगे। आखिरी बार किसी पार्टी में अनुष्का सरकार की फोटो क्लिक होगी, और इस बार अनुष्का सरकार ऐसे दिखेगी कि दुनिया देखते रह जाएगी। लेकिन उससे पहले मुझे प्रदीप को हमारे राज के बारे में बताना पड़ेगा। प्रदीप प्लीज प्लीज फोन उठाओ। प्रदीप यू कैन हेट मी, यू कैन लव मी, बट यू कांट अवॉइड मी प्रदीप लाइक दिस। तुम मुझे अवॉइड नहीं कर सकते हो। मुझे तुम्हें मेरी लाइफ का, हमारी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट बताना है प्रदीप। प्रदीप टाइम इज रनिंग आउट। पता नहीं कल क्या होगा प्रदीप, उससे पहले मुझे तुम्हें तुम्हें सब कुछ बताना है प्रदीप। प्रदीप अनुष्का सरकार, टुडे इज योर नाइट। हाँ माँ। तुम कहाँ हो अनु? माँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी अटेंड करनी है, उसी के लिए तैयार हो रही हूँ। पार्टी? किसकी पार्टी? पर तुम्हारी केस की हियरिंग है ना। यू कांट गो एनीवेयर टुडे अनु। आई होप तुम फिर से कुछ गलत नहीं करने जा रही है। नहीं मॉम, कुछ गड़बड़ नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट मॉम मैं तो सब कुछ ठीक करने जा रही हूँ। बहुत दिन हो गए मॉम, चैन से सोई नहीं हूँ। आप देखना आज के बाद चैन की नींद सो जाऊंगी। बाय मॉम। मुना जरा वो ग्लव कंपार्टमेंट खोलना। याद है मैंने तुमसे एक दिन कहा था कि मैंने परफ्यूम यूज करना बंद कर दिया, लेकिन अब जब तुम मेरी जिंदगी में आ गई हो तो मैंने परफ्यूम्स यूज करना फिर से शुरू कर दिया। थैंक यू बाबा जी, मैं टाइम पे प्रदीप के लिए गिफ्ट ले आई, वरना मुझे लग रहा था कि टाइम ही नहीं मिलेगा। सच्ची ये गिफ्ट देख के खुश हो जाएंगे। अरे किससे बात कर रही है मैडम जी? शाहरुख खान से। अरे मैं भी अंदर थोड़ी देर और रुक जाता, कम से कम कटरीना से बातचीत तो पूरी हो जाती मेरी। आई बड़ी तुम्हारी कटरीना। अच्छा सुनो ना, आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। अरे आंख तो सोते समय बंद करते हैं मुना। ओ बोल रही हूँ ना, बंद करने के लिए मैं कुछ लेकर आई हूँ। कर ली। अब खोलो। नहीं खोलूंगा। खोलो ना। नहीं खोलूंगा। इसे हमारी एनिवर्सरी पे क्या लाई हो तुम? अरे वाह यार क्या बात है, मेरा फेवरेट परफ्यूम लग रहा है, कमाल है मुना। वैसे मुना मानना पड़ेगा तुम्हें कि तुम घर खर्च से बचा के मेरे लिए इतना बढ़िया गिफ्ट लेकर आई। वेरी स्मार्ट। मैं ज्यादा स्मार्टर हूँ, क्योंकि ये घर के खर्चे से नहीं है, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड लेकर गई थी। क्या? हाँ। कमाल है। इसे वेस्ट करो। लगा। अरे मुना वेस्ट तो मत करो यार, मुना वेस्ट मत करो, बहुत महंगा मुना। क्या हुआ, कहाँ खो गई थी तुम? कुछ खुशबू ऐसी होती हैं जो आपको पुरानी यादों में ले जाती है।
कमाल करती हो मोना तुम। यहाँ मैं हमारे आज और आने वाले कल के बारे में सोच रहा हूँ, और तुम हो कि अगर तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचोगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा और तुम्हें। मामूनी, 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 ओह माय गॉड। आंटी आप यहाँ? प्रदीप अनु को रोको, तुम और मोना अनु को रोको, पता नहीं वो क्या करने जा रही है, प्लीज प्रदीप। आंटी आप इतना घबराई हुई क्यों? अनु को जो करना है वो कर चुकी है, वो और क्या करेगी? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो प्रदीप, थोड़ी देर पहले उससे बात की थी मैंने, she was sounding very weird, कह रही थी किसी पार्टी जा रही है, आज सब कुछ खत्म करेगी। जब मैं उसके घर पहुंची तो मैंने देखा घर का पूरा हाल था, और उसने अपने सारे कपड़े भी जला दी थी प्रदीप, और पलंग पे एक पिस्तौल थी। पता नहीं प्रदीप, मुझे लग रहा है वो कुछ गलत काम करने जा रही है। तुम रोको उस, यू एंड मोना स्टॉप हर। मोना, वेयर इज मोना? मोना कहाँ है? वेयर इज मोना? मोना भी एक पार्टी। मामा पहुंच गए। सॉरी बेबी, बच्चों की पार्टी नहीं है ना, बड़ों की है। मामा कैसे लेके आती है आपको? अच्छा सुनो, आप टाइम पे अपना खाना खा लेना और सो जाना, और प्लीज नेहा आंटी को तंग मत करना। ओके ओके बेबी, अब फोन रखो, मामा को देर हो रही है। पार्टी? हाँ, ओ मैं विनीत सर, विनीत लाइजादा के साथ आई हूँ। ओके, मैं भी उसी पार्टी में आई हूँ। हाँ, बाय द वे आई एम प्रिया, प्रिया कपूर। आई एम मोना सिंह, नाइस मीटिंग यू। सेम हियर, यू लुकिंग लवली। थैंक यू, सो आर यू। हाँ, थैंक यू। अरे ये लिफ्ट को क्या हो गया? अरे अरे मोना, कोई है? कोई है? हेलो मोना, मोना लिसन लिसन लिसन, इट्स ओके, जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, सिर्फ लाइट गई है, आ जाएगी। नहीं, ये लिफ्ट क्यों रुक गई? मुझे बहुत घबराहट हो जाती है, मेरा दम घुटने लगता है। मोना लिसन, 5-star होटल की लिफ्ट है, अभी जनरेटर्स ऑन करेंगे, 2 मिनट में लाइट आ जाएगी, कुछ नहीं होगा। आर यू ओके? नो। ओह गॉड, आई थिंक तुम्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया है। ओके 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 ओके, आई थिंक वी नीड टू डाइवर्ट योर माइंड। मोना मोना लिसन लिसन, एक काम करो, डीप ब्रीथ करो, डीप ब्रीथ करो, लंबी लंबी सांसें लो, कुछ नहीं होगा। नहीं, वो मुझे नहीं होगा ये। तुम्हारा माइंड डाइवर्ट करना जरूरी है। हाँ, आंखें बंद करो मोना, आंखें बंद करो, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी बाहर तो अंधेरा ही है। आंखें बंद करो। अच्छा एक छोटा सा गेम खेलते हैं। ओके, सोचो कि आज हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है, अब आंखें बंद करके मुझे ये बताओ कि सबसे पहले तुम्हें कौन दिखाई देता है। नेटवर्क भी नहीं है यहाँ। किसका चेहरा नजर आया?
मेरे पति और मेरे तीन बच्चे, मेरा परिवार और आपको? ओ, मैंने तो आंखें बंद की ही नहीं। एक मिनट, हाँ मैं भी आंखें बंद करके देखती हूँ। कौन नजर आया? वही। मुझे भी सबसे पहले अपने पति और अपनी बेटी नजर आई, अपना परिवार। आई गेस वी वीमेन आर लाइक दैट, हमेशा अपने परिवार के बारे में ही सबसे पहले सोचते हैं। हाँ, आई एम सॉरी मैंने तुम्हें थोड़ा सा परेशान कर दिया, बट द गुड न्यूज इज दैट यू आर मच बेटर नाउ। देखो अब तुम्हें डर नहीं लग रहा है ना? सी, हम अभी भी इस लिफ्ट में बंद हैं। थैंक यू। इट्स ओके। डीप ब्रीथ किया करो। ओह, आगे आगे लाइट। ओह माय गॉड, उन्हें का फोन ही नहीं लग रहा है। आंटी, वी आर सो सॉरी मैम, आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए। मैम, नेक्स्ट टाइम से हमारा गार्ड हमेशा लिफ्ट में रहेगा। थैंक यू। थैंक यू मैम। यू ओके ना? या है। जैसे तुम्हें लिफ्ट में फील होता है ना क्लॉस्ट्रोफोबिक, वैसा मुझे इन पार्टीज में फील होता। अरे ओ भाई साहब, जरा काम पे ध्यान दीजिए, आपका ध्यान तो कहीं और ही है। You know what, Ram? अच्छा बात तूने मुझे काम की याद दिलाई। Yes, मेरा नया पार्टनर आया है, he's right here, and I'm going to introduce you to him. Priya, hi. Meet my new partner, Vineet. Hi, Vineet. Hello. And I'm his old partner, Ram Kapoor. Hi. ये हम दोनों का लास्ट प्रोजेक्ट। आफ्टर दैट बेस्ट ऑफ लक टू यू। और आप? शी इज माय फियांसे मोना। ओह दैट्स ग्रेट, कांग्रेचुलेशन। वैसे डोंट मीन टू बी रूड, बट आप लोग सिर्फ फियांसे तक ही है और इज देयर सम अदर लेयर टू योर रिलेशनशिप? नो, क्या है ना, आजकल मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो कहने को तो बिजनेस पार्टनर्स हैं, लेकिन एक्चुअली पार्टनर से कुछ ज़्यादा बनने की कोशिश भी कहीं ना कहीं जा रही है। तो ऐसा आप लोग के बीच में कुछ? Miss, I'll just be back. Oh, sorry, excuse me. Yeah. ऐसे क्यों चली आई वहां से? I mean, मेरी कौन सी बात तुम्हें इतनी बुरी लगी? No, seriously, what is the big deal? I was only talking about new partnerships, new relationships. बस कीजिए मिस्टर कपूर, प्लीज बस कीजिए। आप क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किसे सुनाने के लिए कह रहे हैं, ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा है मुझे। जो बात समझ में नहीं आ रही है वो ये कि आप इतना गिर कैसे सकते हैं, इतनी छोटी बात आप सोच कैसे सकते हैं। जो बात आपने इतनी आसानी से कह दी ना मिस्टर कपूर, उसे सोचते हुए भी शर्म आती है मुझे। और अगर आप बार बार पार्टी में आकर मुझसे इसी तरह की बातें करने वाले हैं तो मैं ये पार्टी ही छोड़कर चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे आपकी बातें नहीं सुननी है। आपको मेरी बातें क्यों सुनना चाहोगी तुम? अब तो बस सिर्फ रजत की बातें सुनना चाहोगी ना? आपकी प्रॉब्लम क्या है मिस्टर कपूर? क्यों कह रहे हैं आप ये सब मुझे?
सिर्फ इसलिए क्योंकि रजत सर और मैं अच्छे दोस्त हैं। अच्छे दोस्त? पागल हो गई हो तुम? अपनी आंखें खोलो प्रिया, तुम्हें सच में लगता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है दोस्ती की वजह से कर रहा है? हाँ। Is that really what you think? तुम्हारी तरफ से ये केस लड़ रहा है सिर्फ दोस्ती की वजह से? तुम्हारे लिए बुक स्टोर खोली उसने, कॉफी शॉप, सिर्फ दोस्ती की वजह से? इतना अमीर आदमी तुम्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाता है सिर्फ दोस्ती की वजह से? या वो तुमसे प्यार करता है? He's really, really in love with you. Please, Mr. Kapoor, अब आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। पूरी लव स्टोरी मुझे पता है, मेरे सामने सब कुछ हुआ था। दुबई में उसने मुझे बताया था सबसे पहले कि पूजा नाम की लड़की से प्यार करने लगा है वो, और मैं उसका लव गुरु बना। सब कुछ मैंने सिखाया कि लड़की से बात कैसे करते हैं, उसके उसके सामने जाके वो क्या करेगा, कैसे करेगा। बिकॉज मुझे नहीं पता था कि मेरी प्रिया पूजा बन गई है अब। प्लीज यू हैव टू बिलीव मी, ही लव्स यू। वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। जस्ट स्टॉप इट मिस्टर कपूर, जस्ट स्टॉप इट फॉर गॉड्स सेक। कांट बिलीव कि आप ऐसा सोच सकते हैं और ऐसा बोल सकते हैं। कैसे दोस्त हैं आप, कैसे पति हैं? व्हाट इज रॉन्ग विद यू मिस्टर कपूर? आई नो रजत सर मेरी मदद कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे, पिछले 5 साल से कर रहे हैं, लेकिन इसलिए नहीं मिस्टर कपूर क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है। पिछले 5 सालों में उन्होंने कई बार मेरी मदद की, मेरा साथ दिया, मुझे हौसला दिया, अकेले होने के बावजूद अपने पैरों पे खड़े होने की हिम्मत दी, लेकिन इन 5 सालों में एक बार भी उन्होंने मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि उनके दिल में मेरे लिए कुछ है। कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की, कभी कोई ऐसी बात नहीं की जिससे मुझे ये लगे कि वो मेरे बारे में कुछ सोचते हैं या महसूस करते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरी मदद कर रहे हैं, आप अपने ही दिमाग में मनगढ़ंत कहानियां बनाए जा रहे हैं मिस्टर कपूर। क्या हो गया आपको? एक अकेली औरत को रजत सर ने इतनी इज्जत दी और आप अपनी पत्नी को इज्जत नहीं दे सकते? शर्म आती है मुझे आपकी सोच पर। I'm sorry to say, but you're disgusting. You're sick. Just believe me, मैं झूठ नहीं बोल। Ladies and gentlemen, let's celebrate the occasion of a new partnership, a new beginning. May I have you all on the dance floor? ये हमारा आखिरी डांस होगा। शादी से पहले ये हमारा आखिरी डांस होगा, क्योंकि कल से तो हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ हो जाएंगे। I'm so happy, मोना। हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कल से हमारी एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। क्या हुआ मोना, तुम क्या सोच रही हो? तुम्हें शादी से कोई प्रॉब्लम है क्या? Let's dance. रजत। हाँ? कभी कभी जो मन करे ना वो कर लेना चाहिए। मन करे तो मतलब? Don't you ask Priya for a dance? अच्छा, क्या कह रही हैं आप? You just be wrong. रजत, तुम दोनों दोस्त हो और दो दोस्त एक साथ डांस करें, इसमें बुराई क्या है? Go ahead, ask. अगर आपको लगता है मुझे उसके साथ डांस करना चाहिए तो maybe you know because of you I should do it, because dancing में कोई प्रॉब्लम नहीं है, and just a friendly dance. Yes, you should. हाँ तो कह देना था जा। तुम उससे जाके पूछोगे तभी तो पता चलेगा ना। Just go. I should. Yes, of course. The record only for you. Thank you.
जी सर। You comfortable? जी सर, थैंक यू। कुछ पिया? नहीं। Some starters for you maybe? No, I'm fine. You know, if you don't mind, actually मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था. Only if it's okay with you, I wanted to ask. Course, sir, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं. Why are you being so formal? पूछिए ना. It's a nice party. There's nice music. Lots of people enjoying themselves. So, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि only if it's okay. Would you care to dance with me? नहीं सर, मैं पहले ही इतना awkward feel कर रही हूँ डांस तो मैं. On second thoughts, yeah, why not? Sure. All right. This is the party. कौन से फ्लोर पे जाना है मैम आपको? फिफ्थ फ्लोर, राम कपूर और रजत कपूर की पार्टी. लेकिन वहाँ तो प्राइवेट पार्टी चल रही है. मुझे पता है, मैं उनकी गेस्ट हूँ. मैम आपका इनविटेशन कार्ड. ओ, मैं भूल गई, शायद गाड़ी में है. आप मुझे फिफ्थ फ्लोर तक छोड़ दीजिए, मैं किसी से भेज के मंगवा लेती हूँ. पार्टी में जा रही हो ना? जी. घर की ही पार्टी है. He is my son in law, my daughter's hubby. साथ में चलते हैं ना? क्या? Let's move. इस वानवी औरत ने मेरा काम और भी आसान कर दिया. मुना, तुम शादी के लिए तैयार तो हो ना? सब मैं क्योंकि तुम बिल्कुल खुश नहीं लग रही हमारी शादी को लेकर. मुना प्लीज फोन बाद में उठा लेना, पहले मेरे सवाल का जवाब दो. क्या तुम अब भी प्रदीप से प्यार करती हो? क्या आज भी वो मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? सर मैं अभी तक मेरी बात खत्म नहीं हुई मुना. कल मैं रजिस्ट्रार को अपने घर बुलवा रहा हूँ. प्रदीप का कोर्ट केस खत्म होने के बाद अगर तुम मेरे घर आई तो हम शादी कर लेंगे. अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारा जवाब समझ सकता हूँ. नाउ पिक अप योर कॉल, गो.
अनुष्का, कैन आई सजेस्ट यू, देखो ब्रेकफास्ट में ना दो वाइट एग्स लो, ठीक है? यू नो वॉट अनुष्का जी, इनफैक्ट कपड़ों के मामले में आपकी और मेरी पसंद काफ़ी मिलती जुलती है। मैं भी वही ब्रांड प्रेफर करती जो आपने इस वक्त पहना है। ग्रेट, एक्सक्यूज मी, हाँ, और उससे पहले जो तुमने पहना था स्नेक डिजाइन, दैट्स इन मॉम, ओके ओके, चलो लेट्स मूव, बाय, कम इन। हाय मिस्टर राम कपूर। यस, हम पहले भी कई बार पार्टीज में मिल चुके हैं, बट वी नेवर गॉट इंट्रोड्यूस्ड ऑफिशियली, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, अनुष्का सरकार। हाय, हाय, नाइस टू मीट यू। अभी अभी मिले हैं तो वुड यू माइंड अ क्विक डांस? ओह श्योर। ऐसी बेशरम औरत है, पार्टी में आई मेरे साथ और मेरे ही पति के साथ लौट कर रही है। Oh, mean she is. कर क्या रही है? इसे तो मैं देख लूंगी। Feeling jealous, आयशा? वैसे एक बात माननी पड़ेगी कि सिर्फ कपड़ों के मामले में नहीं, लेकिन इवन इन द मैटर्स ऑफ मेन तुम्हारी और अनुष्का की सोच कितनी मिलती जुलती है, है ना? रिच मैन देखा नहीं कि सीधा अटैक। कौन है वो? सॉरी, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। उस पर से तुम्हारी नजर नहीं हट, उसके अलावा और कोई नजर नहीं आ, और कह रहे हो कोई नहीं। Tell me, who she is? ये क्या हो गया है मुझे? मिस्टर कपूर तो गुस्से में आकर, जिद में आकर ये बचकानी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? क्या साबित करना चाहती हूँ मैं? This is, my ex-wife. पता नहीं तुम मर्दों को क्या प्रॉब्लम है, अपने ex-wives को देखते ही फिसल जाते। I'm sorry. Anyway, thank you for the dance. I think इतना काफी है। Yeah. हाँ, हेलो हेलो मोना। प्रदीप क्या है, एक तो खुद 50 फोन कर दे, अब जब मैं फोन कर रही हूँ तो तुम फोन नहीं उठा रहे हो। मोना वो मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना, मुझे वो रिंग सुनाई नहीं दी। एक्चुअली मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। मेरी फिक्र क्यों हो रही है तुम्हें मेरी इतनी फिक्र? और इतनी भी कौन सी इमरजेंसी आ गई प्रदीप की 50 कॉल कर दिए तुमने मुझे? पार्टी में हूँ, तुम्ही ने भेजा है मुझे यहाँ पे, जो भी कहना था घर पे नहीं कह सकते थे क्या? क्या है बोलो। मुझे पता नहीं मोना तुम इतना अपसेट क्यों हो रही हो, मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि तुम जरा संभल कर रहना। वो अनुष्का, वो अनुष्का कुछ भी कर सकती है, पागल हो गई है वो, शी इज गॉन मैड, और शायद वो तुम्हारे पीछे पार्टी में भी गई है। क्या बोल रहे हो तुम प्रदीप, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बिगाड़ लेगी वो अनुष्का मेरा? यहाँ पे पार्टी में आएगी ना, ठीक है मैं हैंडल कर लूंगा, लेकिन तुम मेरी परवाह मत करो, ठीक है? कल कोर्ट केस में सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर अनुष्का से तुम्हारा पीछा छूट जाएगा हमेशा के लिए। मुझे अपनी नहीं तुम्हारी परवाह है मोना। मेरी अगर इतनी परवाह होती ना प्रदीप, तो हम दोनों की लाइफ के बीच में कभी अनुष्का आती ही नहीं।
मतलब तुम्हारी लाइफ में नहीं आती। ठीक है मोना, ठीक है। क्या जरूरत है मुझे तुम्हारी इतनी परवाह करने की? हक ही क्या है मेरा अब तुम पर? कोई हक? कौन था? वही जो आंखें बंद करने के बाद दिखाई दिया था? रिश्ता नहीं राम, मगर फिर भी। हाँ फिर भी प्यार ऐसे ही होता है, जब तक रहता है सांस बनकर रहता है, और जब छूटता है तो एहसास बन के रहता है। निशान चले जाते हैं लेकिन दर्द फिर भी रहता है। लोग आगे बढ़ जाते, टूटा रिश्ता वहीं का वहीं रह जाता। मेरी जिंदगी भी आगे बढ़ गई लेकिन पीछे कुछ छूट गया। शायद ये सपना कभी पूरा ही नहीं होना था इसलिए टूट गया। अनुष्का सरकार, तेरी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर राम कपूर के साथ डांस करने की, उसे टच करने की? हाँ तो? हाँ तो क्या? He's my son-in-law and me, myself, शिप्रा शर्मा, my husband, सुधीर शर्मा. I have three children, two daughters and one son. अरे चुटकी में तुझे पेज थ्री से हटवा सकती हूँ मैं, हाँ. और मैं तुझे दुनिया से हटा। अरे तीन किन किन लोग क्या? छोटी सी बात के लिए क्या है? जा तेरे पक 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 दिमाग खा रही है मेरी। मोना, मोना बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। चुप। I have lost everything because of you, मोना। प्रदीप भी मेरा होने वाला था, तुम तो बर्दाश्त नहीं है ना? सब कुछ, सब कुछ खत्म कर दिया। मेरी जिंदगी बर्बाद करके मेरा जश्न मनाओगी? अरे ये गोली के बाद ये तो पार्टी से आई है ना? Oh my God, let's go and see क्या हो रहा है वहाँ पार्टी में। अचानक क्या हो गया? बाहर निकल दियो या मैं इस औरत को मार दूँ। मार दो मैं इसे। Oh my God, उसने मेरी माँ को गन पॉइंट पे रखा हुआ, क्या करूँ मैं? प्रिया प्रिया एक मिनट, तुम्हारी माँ को कुछ भी नहीं होगा, वो लड़की वहाँ मेरे लिए आई है। मैं अभी जाके उससे बात करती हूँ, वो कुछ नहीं करेगी। नहीं बोला, don't do that. वो अगर तुम्हारे लिए आई है तो वो तुम्हें देखते गोली गोली चला सकती। तुमने मुझे क्रिमिनल बना दिया है मोना। तो तुम मत जाओ वहाँ पे, तुम एक काम करो, तुम बाहर जाओ, जाकर किसी से मदद मांगो, किसी को इन्फॉर्म करो। मैं जाके बात करती हूँ उससे। मैं किधर था? प्रिया वो कुछ भी कर देगी, प्लीज मोना लिसन टू मी, यू डोंट गो इन, वो तुम्हें देखते गोली चला सकती है। तुम जाओ ना, होगा होगा। लेकिन तो मैं इसे उड़ा दूंगी। अनुष्का, अनुष्का, एक मिनट माँ, मैं बात कर रही हूँ ना, तुम चुप रहो। अनुष्का, मैं ये कहना चाह रही थी कि तुम इन्हें छोड़ दो, इनके तुमसे क्या दुश्मनी है? ये तो मेरी माँ है, प्लीज इन्हें मत मारोगे, प्लीज। ये तुम्हारी माँ है? ये बहुत इरिटेटिंग औरत है, इसे तो मर जाना था। I'm sorry अगर इन्होंने तुम्हें इरिटेट किया तो मैं सॉरी बोलती हूँ। माँ सॉरी बोलो ना, सॉरी बोलो। देखो तो सॉरी बोल रही है ना? हाँ क्यों? देखो तो तुम्हारी दुश्मनी मोना के साथ है ना? मैं जानती हूँ मोना किधर है, मैं तुम्हें उसके पास जा सकती हूँ।
प्लीज मेरी माँ को छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। छोड़ दूँ? छोड़ दिया। माँ, 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 तुम, तुम, तुम्हें मारूं? चलेगा? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.